साहेब जी, अर्चनी वन्नी सन समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, प्यारे बच्चों, आज का कार्यक्रम नामकरण संस्कार के उपलक्ष्य में रखा गया है। वो सौभाग्यशाली परिवार है और वह सौभाग्यशाली बच्चा है जिसके जन्म उत्सव या नामकरण संस्कार के उपलक्ष्य में संतों का आगमन हो और जीवन निर्माण की बातें, जीवन उत्थान की बातें यहां पर चर्चा होती हो। लेकिन जो कुछ भी कहा जाएगा वह बच्चा नहीं सुनेगा। जो छोटा सा बच्चा है, जो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, वो हम जो कुछ भी कहेंगे उसको सुन नहीं पाएगा। सुनेगा कौन? परिवार के रहने वाले लोग। बच्चे को संस्कार कैसे दिया जाता है, बच्चे को संस्कारित कैसे किया जाता है, ये माता पिता को सीखना चाहिए। जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा कच्चे मिट्टी की तरह होता है। कच्चे मिट्टी को कुम्हार जिस रूप में आकार देना चाहे कुम्हार उस रूप में आकार दे सकता है। कच्चे मिट्टी को कुम्हार चाहे घड़ा बनाए, चाहे ईंट बनाए, चाहे खप्पड़ बनाए, कुछ भी बनाए कुम्हार के ऊपर है। वैसे ही बच्चा जब जन्म लेता है तो कच्चे मिट्टी की तरह होता है, मुलायम। चित्त में कोई द्वेष नहीं, चित्त में कोई क्लेश नहीं, शून्य चित्त के बच्चे होते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की। मैं कह रहा था जब बच्चा जन्म लेता है तो कच्चे मिट्टी की तरह होता है। कच्चे मिट्टी को कुम्हार जिस रूप में चाहे उस रूप में आकार देता है और कच्चे मिट्टी को सही रूप में आकार देता है तो इन भगवान बना देता है, नहीं तो कच्चे मिट्टी को आदमी गांजा और चिलम भी बना देता है। आदमी एक कुम्हार एक कच्चे मिट्टी को चिलम से घड़ा बनाया तो कुम्हार कच्चे मिट्टी ने कहा आज मेरी किस्मत बदल गया, आज मेरी किस्मत बदल गया। जो कि कच्चे मिट्टी को जब कुम्हार घड़े से गांजा के चिलम बनाने से छोड़ करके उसको घड़ा बनाया तो कच्चे मिट्टी ने कहा आज मेरी किस्मत बदल गया। जब मैं चिलम बनता था तो मैं खुद जलता था, औरों को जलाने का काम करता था, लेकिन आज कुम्हार ने मेरे जीवन के तकदीर बदल दिया। आज मैं घड़ा बन करके खुद शीतलता प्रदान करूंगा औरों को शीतलता दूंगा। एक कुम्हार से घड़ा कहता है, मिट्टी कहता है। वैसे ही बच्चा जब किसी के माँ के कोख में जन्म लेता है, किसी पिता के पुत्र बनता है या बच्चे
बच्चियां बंद पैदा होती है, तो यदि माँ बाप अच्छे होते हैं तो वह कुल को उजागर करते हैं। माँ बाप अच्छे संस्कारवान होते हैं तो बच्चे को बहुत ऊपर ले जाते हैं, नहीं तो बच्चे को लोग संस्कार नहीं दे पाते हैं। बच्चा पैदा कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्षमा चाहता हूं, लेकिन बड़ी बात नहीं है। श्रेष्ठ योग्य माँ बनना और श्रेष्ठ योग्य पिता बनना बहुत बड़ी बात है। माँ अपने अंदर मातृत्व भाव पैदा कर सके, ये बहुत बड़ी बात है। एक आदमी घर का मुखिया है, दादा है, दादी है, उनके अंदर घर के मुखिया होने का वो वैभव, वो गौरव पैदा होना चाहिए। घर का मुखिया तो हो जाते हैं, माता बन जाते हैं, पिता बन जाते हैं, घर के मुखिया दादी और दादा हो जाते हैं, संस्कार नहीं जानते हैं। घर में बच्चे बैठे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, गाली गलौज दे रहे हैं। घर में अपने ही पुत्र बगल में बैठे हैं, बगल में गाली गलौज दे रहे हैं, कौन सा संस्कार आप देंगे? बच्चे छोटा बड़ा हो गया, 4 साल 5 साल का हो गया है, बच्चे प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, इधर से मुंह में गुटखा भरे हैं, लाल लाल गलगल गलगल थूक भी रहे, कौन सा आशीर्वाद देंगे? जीवन क्या बदल जाएगा? क्या आपके बच्चे संस्कारी हो जाएंगे? बोलने की सभ्यता नहीं आई, खाने और पीने की सभ्यता नहीं आई, घर में सास और बहू में रोज लड़ाइयां चल रही है, देरान और जेठान में रोज लड़ाइयां चल रही है, कौन से संस्कार बच्चे को दे पाएंगे? इसलिए मैंने कहा माँ होना मतलब मातृत्व भाव अपने अंदर पैदा कर पाना। मातृत्व भाव पैदा करने का मतलब समझते हैं? एक विशाल हृदय जिसमें सब समा जाए। कल गोवर्धन पूजा था, गोवर्धन पूजा का अर्थ लोग नहीं जानते, बस पूजा करके आ जाते हैं। गोवर्धन पूजा दो तरह से होता है, एक तो होता है श्री कृष्ण के लिए आता है, गोवर्धन पर्वत है जिसमें हजारों गायें हैं, उसकी सेवा करते हैं श्री कृष्ण और उनकी पूजाएं होती है। और दूसरा आध्यात्मिक अर्थ गोवर्धन का अर्थ होता है गो मतलब इंद्री, वर्धन करना मतलब विस्तार करना। वर्धन करना मतलब अपने चित्त को, अपने मन इंद्रियों को अपने स्वस्थ में रखना और संयम और साधना में मन लगाना, भक्ति में मन लगाना, ये गोवर्धन है। गो मतलब इंद्रियां और वर्धन मतलब विस्तार, विस्तार करते जाना सही दिशा। आज हर आदमी का दिल संकुचित होता चला जा रहा है, आज हर व्यक्ति का दिल संकुचित होता चला जा रहा है। हम दो हमारे दो, घर में माँ बाप को जगह ना दो, यही स्थिति आ रही है। घर में माँ बाप के लिए जगह नहीं है, मकान बनता चला जा रहा है, 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिला मकान बनता चला जा रहा है, लेकिन माँ बाप के लिए जगह नहीं है। एक व्यक्ति ने सुंदर सा मकान का उद्धार मकान बनाया, गृह प्रवेश में संत को बुलाए और संत को बुलाए और वहां पर गृह प्रवेश अच्छा से करने का प्रयास किया। उन्होंने घर में प्रवेश करते हैं, संत पूछते हैं ये कौन है वो कौन है, सारे लोगों का परिचय बताते हैं। अंत में संत को समझ में नहीं आया, उन्होंने पूछा तुम्हारी माँ कहाँ है घर के मुखिया से? घर के मालिक कहते हैं महात्मा जी संत जी से, गुरुदेव जी माँ यहाँ नहीं है। माँ क्यों नहीं है? इतना में उनकी पत्नी वहीं पर बैठी थी, चुप हो जाते हैं। थोड़ा देर बाद उनकी पत्नी उधर से बगल खिसकती है तो उनके संत जी के सामने उन घर के मालिक कहते हैं माँ इसलिए संत नहीं है संत जी क्योंकि उनके साथ में नहीं बनता है। उनके साथ मतलब संत समझ गए, संत ने अपने हिसाब से विचार प्रस्तुत किए, घर की पूरी तैयारी हुई, गृह प्रवेश हुआ। अंतिम में जाते जाते उन्होंने संत ने कहा आपसे एक निवेदन है कि आपने गृह प्रवेश में सुंदर मकान बनाया, सुंदर घर का नाम भी रखा है आपने मातृछाया, लेकिन एक काम करना, ये जो टाइटल लगा करके रखे हैं ना मातृछाया का, उसको हटा देना, उसको हटा देना और वहां पर लिख देना पत्नी छाया, क्योंकि यहाँ माँ की छाया नहीं है। क्या हो रहा है आज हर घर? आज सास और बहू में पटरी नहीं बैठ रही है, माँ बाप अपने बच्चे को कैसे संस्कार दे पाएंगे? छोटी सी बात होती है, घर में टूटन की अवस्था आ जाती, स्थिति आ जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं, जीवन तबाह कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों में गुमराह कर लेते हैं। श्री राम को आदर्श मानते हैं, भी श्री राम की पूजा किए सब लोग, श्री राम को आदर्श मानते हैं और दीपावली का त्योहार श्री राम के
श्री राम भगवान जब आते हैं वनवास में तो उसके स्वागत के लिए दीप जलाया जाता है, उसी उपलक्ष्य में सभी लोग दीप जलाए अयोध्या में, तब से दीपावली का त्योहार मनाया जाते हैं, पूजा करते हैं सब श्री राम की। जीवन कैसे है, रावण की तरह। श्री राम ने जब उनको राजगद्दी मिलना था श्री राम को, और लेकिन उसको दूसरा ही दिन वनवास दिया जाता है, उसका मुख्य कारण होती है केकई। लेकिन केकई से उनको घृणा नहीं होता है। आप इस चीज को याद रखिएगा, जब श्री राम को वनवास होना, श्री राम को राजगद्दी होना था, लेकिन उसके उसके जस्ट विपरीत उसको होता क्या है, वनवास होता है, और मुख्य कारण केकई थी। लेकिन जब वनवास काटने के बाद में श्री राम पुनः अयोध्या में आते हैं तो सर्वप्रथम श्री राम भगवान जा करके माता केकई से मिलती है। केकई के लिए कभी गलत नहीं सोचती है, आपके घर के मुखिया है, आपके घर के गार्जियन है, आपके ही माता है, आपके ही पिता है। उन्होंने कुछ शब्द कह दिया, इस एक छोटे से शब्द को सुन करके आदमी विचलित हो जाते हैं। क्या आप अपने बच्चों को संस्कार दे पाएंगे? बच्चे को संस्कार देना, एक मातृत्व भाव पैदा कर पाना बहुत बड़े विशाल हृदय चाहिए। आज आदमी गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, गलत संस्कार को इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। इंसान की पूजा नहीं, यहाँ पत्थर की पूजा हो रही है। इंसान में आदमी को दुश्मन नजर आ रहे हैं, पत्थर की पूजा करते चले जा रहे हैं। क्या जीवन बदल जाएगा? इसलिए निवेदन है कि बच्चों को सही संस्कार दीजिए, बच्चों को कर्मकांड और पाखंड में मत रखिए। बच्चों को जादू टोना, भूत प्रेत, जंतर मंत्र तंत्र, ये सारे चीज झूठ है। बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे के पैदा होने पर आपका हाथ है, और उनके परवरिश पर भी आपका हाथ होना चाहिए। आप अपने परवरिश पर विश्वास रखिए। धिक्कार है उस माता पिता को जो अपने परवरिश पर विश्वास नहीं रखते, एक ताबीज पर विश्वास रखते हैं। उनको अपने परवरिश पर विश्वास नहीं है, इसलिए ताबीज बांधते हैं अपने पुत्र के गले पर, और उस पर विश्वास होता है। उनको अपने परवरिश पर विश्वास नहीं, उनको अपने गुरु परंपरा पर विश्वास नहीं है, एक पत्थर के मूर्ति पर विश्वास होता है। लेकिन माँ बाप पर, अपने परवरिश पर, अपने माता पिता पर विश्वास, अपने गुरु परंपरा पर विश्वास नहीं होता। क्या आप अपने बच्चों को संस्कार दे पाएंगे? आप किस ओर ले जा रहे हैं बच्चे को? अंधविश्वास और चमत्कार और अडंबर में बच्चे को ढकेलते चले जा रहे हैं। आपका कर्तव्य है, आपने बच्चे को पैदा किया, आपका कर्तव्य है कि बच्चे को सही संस्कार दीजिए, बच्चे को गलत दिशा में मत ले जाइए। बच्चे आपके बुढ़ापे की लाठी है, बच्चे आपका भविष्य है, बच्चे आपके जीवन के निर्माता है। यदि आज आपने बच्चे को सही दिशा पर नहीं ले गए, गलत संस्कार देते चले गए, अंधविश्वास में ढकेलते चले गए, आपके बच्चे अंत में क्या सहारा लेंगे? क्या बच्चे आपका सहारा ले पाएंगे? क्या आप बच्चे का सहारा ले पाएंगे बुढ़ापे की स्थिति में? यदि आज आपने माँ बाप को सम्मान नहीं दिया, आज आपने घर में के बड़े बुजुर्गों को सम्मान नहीं दिया, तो क्या बुढ़ापा में आपको आपके बच्चे सम्मान कर पाएंगे? इस जगह की घटना बताऊं मैं। एक जगह आए दिन पति और पत्नी आपस में बैठे हैं, सास ससुर में और पति पत्नी में रिश्ते सही नहीं है। आए दिन बहू और सास में लड़ाइयां होती, रोज लड़ाइयां होती। लड़ाई का अंतिम परिणाम ये होता था कि अंतिम में रोती रोती रोज सासू माँ अपने कमरे में जाती। उनका छोटा सा पोता, 6 साल का छोटा सा पोता देख रहा है कि रोज माँ और दादी में रोज लड़ाई होती है। अंतिम परिणाम ये होता है कि अंतिम में रोते रोते दादी माँ कमरे में जाती है। एक दिन उसका छोटा सा पोता पीछे पीछे जाता है और अपने दादी माँ का पल्लू उठाता है, और दादी माँ का पल्लू उठा करके उनके आंसू पोंछते हुए बोलता है, दादी माँ तुम रो मत, मेरी माँ बहुत दुष्टा है। दादी माँ तुम रो मत, मेरी माँ बहुत दुष्टा है। जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा और मेरी भी शादी हो जाएगी तो मैं अपने पत्नी से कहूंगा कि तुम अपनी सासू माँ की कभी सेवा मत करना, क्योंकि तुम्हारी सासू माँ अपनी सासू माँ से रोज लड़ाई किया करती थी। आप क्या करते हैं आप जानिए। यदि आज आप लड़ते हैं, आप याद रखिए,
वो माँ बाप होते हैं जो अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं, वो माँ बाप होते हैं जो खून पसीना एक करके जीवन की सारी कमाई पाई पाई जोड़ करके अपने बच्चे को सौंप देते हैं, और उनके बच्चे उनको जब पीठ दिखाते हैं तब उनके माँ बाप के अंदर कौन सी पीड़ा और कौन सी वेदनाएं होती होगी उसको आप महसूस करिए। यदि आज आप अपने माँ बाप को पीड़ाएं देते हैं, आज आप माँ बाप को तकलीफ देते हैं, कल भी आपके साथ वो होने वाला है। कल भी आप तैयार रहिए कि आपके साथ वो होगा जो आज आप कर रहे हैं। यदि बच्चों को अच्छा संस्कारवान बनाना चाहते हैं तो माँ बाप को सम्मान करिए, माँ बाप को इज्जत करना सीखिए। बच्चे को उच्च शिक्षा देना चाहते हैं तो माँ बाप के पास समय दीजिए। माँ बाप को बुढ़ापे की अवस्था में माँ बाप को आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, आपके बंगले नहीं चाहिए, आपके एसी गाड़ियां नहीं चाहिए, आपके जमीन जायदाद नहीं चाहिए। माँ बाप को बुढ़ापे की स्थिति में माँ बाप को बच्चे का प्यार चाहिए। आप अपने बच्चे को कितना प्यार दे पाते हैं, अपने माँ बाप को कितना सम्मान कर पाते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज है। बुढ़ापे में माँ बाप को अपने बच्चों से सिर्फ प्रेम चाहिए, बुढ़ापे में माँ बाप को अपने बच्चों से सिर्फ प्यार चाहिए। संपत्ति धन दौलत किनारे रख दीजिए, बस उनके पास आकर के 10 मिनट 15 मिनट बैठ लीजिए, प्रेम से वार्ताएं कर लीजिए, भोजन पूछ लीजिए, स्वास्थ्य पूछ लीजिए। उनको लगेगा कि मेरे बच्चे मेरे अनुकूल है, आज मेरे बच्चे मेरे कहे पर चलते हैं, आज मेरे बच्चे मेरे बातों को मानते हैं, धन्य है मेरे बच्चे। उनके मन में एक प्रसन्नता जग जाएगा, उनके चेहरे पे एक नए मुस्कान आ जाएगा, तब कहीं बच्चे संस्कारवान हो पाएंगे। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि यदि बच्चे को संस्कारवान बनाना है तो सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने माँ बाप का सम्मान करना सके। आपके अंदर मातृत्व भाव पैदा होना चाहिए, और घर के बुजुर्ग हैं, घर के मुखिया है, दादी है, दादा है, जब आपके बड़े आपके कंधे आपके पुत्र आपके कंधे मिला करके चलने योग्य हो जाते हैं तो घर के बड़े बुजुर्गों को चाहिए कि शांत जीवन जीना चाहिए, बीच में ज्यादा रोक टोक नहीं करना चाहिए। जो शांति से जीवन जीना चाहते हैं, बड़े बुजुर्गों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो शांति से जीवन जीना चाहते हैं बुढ़ापे में, तो आपके बच्चे यदि आपके कंधे मिला करके चलने लायक हो गए, योग्य हो गए हैं, आपके घर में बहुएं आ गई हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप शांति से जीवन जिए, ज्यादा रोका टोका मत करिए। आपके बच्चे आपके बहू बेटे पूछ लेते हैं तो उत्तर दे दीजिए, नहीं तो शांति से जीवन यापन करिए, तो निश्चित ही आपका जीवन सुंदर होगा और आने वाली पीढ़ी भी सुंदर होगा। इसलिए सुंदर जीवन का निर्माण करें, अपने बच्चों को समय दे। आज हर व्यक्ति के पास पैसा कमाने के लिए समय है, धन दौलत नौकरी के लिए समय है, लेकिन अपने बच्चे के पास संस्कार देने के लिए समय नहीं है। आपका जितना कमाया पूंजी कुछ ही समय में उड़ा करके राख कर देंगे यदि आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो। आपका सारा कमाया मिट्टी पलीद कर देंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि बच्चों को उच्च संस्कार और शिक्षा दीजिए, तो निश्चित ही आने वाली पीढ़ी संस्कारवान होंगे। आपके मन में एक विश्वास होगा कि मुझे जैसे जीवन जीना चाहिए था, बच्चों को जो संस्कार देना चाहिए था वो दिया, तो निश्चित ही आने वाली पीढ़ी संस्कारवान होंगे। आगे और संतजन विराजमान है, बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की। बोलिए सदगुरु देव की जय। जीवन निर्माण और बच्चों के भीतर संस्कार डालने से पहले अपने संस्कार, अपने भीतर संस्कार सद्गुणों का होना जरूरी है। बड़ा ही विस्तार रूप से सुंदर ढंग से श्रवण कर रहे थे। आगे मैं निवेदन करता हूँ, कबीर आश्रम नवापारा से पधारे परम पूज्य संत श्री सविंद्र साहेब जी से, कि आप अपने अमूल्य विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सदगुरु देव की जय। प्लीज थोकिन जोर से जय बोला। भले मत उतारना, हम लोग बोलेंगे उसको ध्यान से सुन रहे, ऐसे हमको महसूस भी होना चाहिए। आप लोग देख रहा हूं मैं,
भाई पढ़ाई लिखाई किए, सब पढ़े लिखे लोग हैं, स्कूलों में कॉलेजों में पढ़े हैं, अपने अपने जमाने में सभी स्टूडेंट रहे, सर मैम जो भी पढ़ाने आते हैं, स्टूडेंट और टीचर की भी जब फेस टू फेस मिलता है, एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं, पढ़ाने वालों को भी अच्छा लगता है और पढ़ने वालों को भी कैसा लगता है, बेकार लगता है क्या? इसलिए आप मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, इतने दूर से आए हम लोग आप ही लोगों के लिए, समझ रहे हैं? घर वालों से भी मैं डिंपल बहन से निवेदन करूंगा, आप आइए, आज नहीं समय दोगे तो कब दोगी? हम आप ही लोगों के प्यार से कहते ना, तूने प्यार की बीड़ बजाई और हम दौड़े चले, नहीं सुने क्या पुरानी फिल्मों की गीत? ये संत जन सिर्फ प्यार के नाते, आपने एक पुकार लगाई, हम भरे त्योहारों में छोड़कर इतनी भीड़ भरी सड़कों से होते हुए आपके बीच आए, आइए थोड़ी ज्ञान की चर्चा संस्कारों के बाबत। परम पूज्य श्री साहेब जी, मानव समाज के प्रबल प्रेरणा स्रोत, वंदनीय संत समाज, थोड़ा आवाज ना बढ़ाना, ये अभी यहां पर संस्कारों की चर्चा चली, मेरे तरफ ध्यान देंगे आप सब, बस 15-20 मिनट के लिए, फिर उसके बाद किधर भी देखें मुझे। संस्कारों की चर्चा चल रही है, संस्कार विहीन जीवन कोई जिंदगी नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय प्रपाटी में 16 संस्कारों की चर्चा की जाती है, उसमें सबसे प्रथम संस्कार क्या है किसी को पता है? गर्भाधान संस्कार। सभी माता बहनों से मेरा निवेदन, जो साधी सुधा माताएं बहने, जब भी आपको शुरुआत में पता चले शुरुआती दौर पर कि आपको गर्भ ठहर गया, प्रेग्नेंट, ध्यान रखना उसी दिन से आप सावधान हो जाइए, आपके गर्भ में किसी बच्चा का या बच्ची का आगमन हुआ, मां को उसी दिन से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके गर्भ में, आपके कोख पर पलने वाले बच्चे या बच्चियां अलग से नहीं सोचती या अलग से नहीं सोचता, अलग से खाना पीना नहीं खाता, सांस भी नहीं लेते, तो कैसे लेते हैं, कैसे जिंदा रहते गर्भ के बच्चे, कोई बताएंगे कैसे रहते हैं? कोई कोई कह रहे हैं ऑक्सीजन लगा दिया जाता, अरे अंधेरे में कैसे ऑक्सीजन लगेगा? मां का सांस लेना, मां का बोलना, मां का देखना, मन मां की जैसी मन की भावनाएं होती है, मां जो सोचती जो देखती है, उस गर्भस्थ शिशु को गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए यहीं से सावधान हो। जो माताएं इधर उधर लड़ेगी, इधर उधर देखेगी, खाने पीने की लोलुपता होगी, लालच होगी, उनके बच्चे भी लालची होंगे। आइए एक उदाहरण एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करें। एक बहन थी, उनका एक संयुक्त परिवार था, संयुक्त परिवार समझते हैं, समझ रहे हैं ना, कहना चाहिए कि लंबा चौड़ा परिवार था। और जिस बहन की हम चर्चा कर रहे हैं, उसका हस्बैंड, उसका पति गवर्नमेंट जॉब पर था, और उस घरों में, परिवारों में संतों का आगमन हुआ करता था, सत्संग, ज्ञान चर्चा, कीर्तन भजन की चर्चाएं हुआ करती थी, पूरे धार्मिक लोग समय समय से संत उस घरों में मेहमान बनकर आते थे। लेकिन उस बहन को जो बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा बड़ा नटखट था, उपद्रवी स्वभाव का था, किसी के ऊपर थूक दे, किसी की काली कापी कलम चुरा लाए। उसकी मम्मी उसकी गंदी आदतों से बड़ा हैरान हो गई, समझाए बच्चा को समझ में ना आता था,
उसके घर परिवार के लोग भी परेशान हो गए, कितना सुंदर घर, इतना सुंदर माहौल, इतना अच्छा वातावरण, जहां रात दिन सत्संग चर्चा पूजा पाठ आराधना ज्ञान भक्ति में सभी का मन सराबोर। और ऐसे सुंदर परिवारों में, ऐसे सुंदर जगहों पर ऐसे नटखट बच्चा, उपद्रवी स्वभाव का शैतान बच्चा कहां से पैदा हो गया? उनके गंदे स्वभाव से मां बाप अजीज आ गए, सोचा को ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो उसकी मम्मी, उसकी अम्मा उस बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गए। किस डॉक्टर के पास? ये सर्दी जुकाम बुखार वाले डॉक्टर के पास नहीं, किसके पास? मनोचिकित्सा के पास। आप लोगों को कभी मनोचिकित्सा के पास जाना हुआ होगा, अपने माइंड डिस्टर्ब पर नहीं तो कम से कम दूसरे के साथ, तो आप लोग देखेंगे। और डॉक्टर सर्दी जुकाम बुखार वाले डॉक्टर तो आपको पूछते हैं कैसा लग रहा है, डॉक्टर साहब यहां दर्द हो रहा है, फटाक से दवाई लिख देता है। फिर बता दो डॉक्टर साहब बगल भी दर्द करता है, उसकी भी दवाई लिख देगा। लेकिन मनोचिकित्सक पागलों से बात नहीं करते। हम गए, हमारे एक संत थे, समय समय से उसका दिमाग अपसेट हुआ जाता था, वो अच्छे पेंटर थे, मिट्टी के मूर्ति भी उकेर लेते थे, उच्ची अच्छी हैंडराइटिंग थी, उसका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता था। तो उस बच्चे की मम्मी अपने बेटे को लेकर मनोचिकित्सक के पास गई, बोले सदगुरुदेव की आप लोगों का शरीर बस बैठा है। तो उसकी अम्मा मनोचिकित्सक के पास लेकर गई, मनोचिकित्सक ने देखा, उसकी आंखों पे आंख डाला, गहराई से उसकी आंखों के उठने वाली पलकों को, उनकी आंखों के हरकतों को डॉक्टर साहब बड़े निहारा देखा। मनोचिकित्सक लोग पागलों के आंखों को ही देखते, आंखों पे आंखें गाड़ देते, पागल और डॉक्टर की आंखें चार हो जाती। जब बच्चे को अच्छे तरीके से डॉक्टर देखा, उसके बाद अपनी नजर उसकी मम्मी की तरफ फेरा, फिर वो मनोचिकित्सक पूछता है, बहन जी ये बस सही सही बताना, जब तू प्रेग्नेंट थी, बच्चा गर्भ में था, तो तुम क्या देखती थी, क्या सुनती थी, आपकी मन की मनोदशा क्या थी? उस बहन ने कहा कि डॉक्टर साहब, हम हमारे पति देवता परिवार से अलग रहते हैं, सुबह मैं उठती हूं, चाय नाश्ता बनाती हूं, पति को नाश्ता करा के टिफिन डाल के उसको विदा कर देती हूं, वापिस चला जाता है, बच्चे भी खा पी कर स्कूल चले जाते हैं, फिर उसके बाद मैं घर की साफ सफाई सारा काम करके नहाती धोती हूं, फिर ब्रेकफास्ट करती हूं। अब ब्रेकफास्ट करते करते टीवी देख लिया करती हूं। मनोचिकित्सक ने पूछा कि बहन जी टीवी में तुम क्या देखती थी, कहीं सास बहू का धारा वही या फिर सास बहू धारावाहिक देखती हो कि क्या देखती हो? उस बहन ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं एक फिल्म देखा करती थी। किस समय? जब उस बच्चे को वो गर्भ में थी। वो बताती है वो बहन कि डॉक्टर साहब मैं एक फिल्म देखा करती थी, फिल्म देखने की आदत सी पड़ गई थी। डॉक्टर ने पूछा कि बहन जी तुम कौन सी फिल्म देखती थी? उस बहन बड़ी पुराने जमाने ओल्ड जमाने की महिला थी, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं शोले की फिल्म देखती थी और शोले के फिल्म को 16 बार देख डाली। डॉक्टर ने गौर फरमाया, कहा कि बहन जी तू जब प्रेग्नेंट थी गर्भ थी तो शोले की फिल्म को 16 बार देखी, तो तेरा बेटा गब्बर सिंह नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? मेरे माताएं बहनों, आपकी गर्भ से उत्पन्न होने वाले बच्चे वो सिर्फ आपके बच्चे और बच्चियां नहीं, आपके गर्भ से पैदा होने वाले ये धूल मिट्टी में खेलने वाले बच्चे
को यदि आप सुसंस्कारित करोगे, उसको सजाओगे, सुसज्जित करोगी, तो ये बच्चे आपके बुढ़ापे की लाठी बनकर खड़ा होगा। ये बच्चे धूल मिट्टी में खेलने वाले आज के वे बच्चे, ये भारत के कर्णधार हैं। इन्हीं बच्चे में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, इन्हीं बच्चियों में झांसी की रानी झलकारी बाई, सुभाष, नेहरू, अरे अनेक हस्तियां इसके जीवन की गर्त में छुपे हुए हैं। हर माँ बाप के अरमान होते हैं, तमन्ना या आरजू होती है, हर माँ बाप का एक रंगीन सपना होता है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां आगे चलकर कुछ अच्छा काम करें, अपना नाम रोशन करें, माँ बाप का करें, परिवार का करें। हर माँ बाप की बड़ी तमन्ना होती है, बड़ी इच्छा होती है कि बच्चे को बहुत ऊंची उड़ान पर देखना चाहते हैं। ये माँ बाप की बहुत अच्छी सोच है, आपकी सोच काबिले तारीफ है, लेकिन इन बच्चों को ऊंचे उड़ान भरने के लिए पंख कहां से मिलेगा, पंख कहां से पाएंगे वो बच्चे? यदि माँ बाप संस्कारित, माँ बाप सुंदर आचरण वाले हैं, तो बच्चे भी वही होंगे। जैसे जैसे माँ बाप होते हैं वैसे बच्चे होते हैं। आज के बच्चे बड़े सुपर इंटेलिजेंट बच्चे, बच्चों का दिल और दिमाग कोरे कागज की तरह होता है। जैसे जैसे माँ बाप के घर परिवारों के जितने सदस्य मेंबर, उनकी हरकतों को, उनकी आदतों को, उनकी रहनी और गहनी को, उनके चाल ढाल को देख देख कर बच्चे के कोरे कागज पर लिखता चला जाता है। एक बात और याद रखना, आज के बच्चे बहुत सुपर इंटेलिजेंट बच्चे, जितने गर्ल और ब्याह पैदा हो रहे हैं, जितने बच्चे और बच्चियां पैदा हो रही हैं आज के जनरेशन में, आज के जमाने में गूगल गर्ल और गूगल बॉय पैदा हो रहा है। समझ रहे हैं? गूगल का काम जानते हो आप, सर्च मारते हो, खोज कर ढूंढ कर निकाल देना, गूगल का काम। ये नादान बच्चों को नादान मत समझना, छोटे छोटे बच्चे भी महसूस करते हैं उस वातावरण को, माँ बाप के अच्छे और बुरी आदतों को। आप देखना, दो दो महीने तीन महीने की दुदमुहे बच्चे को कोई पाए हैं, गोद में लिए, जब उसकी माँ इधर से उधर चलती है तो वो छोटी सी बच्ची या बच्चा माँ की सुगंध से, माँ की खुशबू से, माँ की एक आहट से बच्चा या बच्चियां जान जाती है कि मेरी मम्मी जा रही है। इसलिए बच्चों को अच्छा संस्कार दे। बच्चे तो पैदा हो जाते, शादियां हुई, कुछ दिन के बाद बच्चे पैदा हो जाते, माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं, दोनों मिलकर बच्चे का शरीर को पैदा करते हो, लेकिन संस्कार संस्कार पैदा नहीं कर पाते। इसी संस्कार विहीन के कारण आज इतनी भारत देश में जो उथल पुथल मचा हुआ है, जो अनेक प्रकार के अनर्थकारी घटनाएं घट रही, वजह क्या है? आज इस भारत देश में बलात्कार, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, लूट, खसूट, खाने पीने के चीजों में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, जितनी अनर्थकारी घटनाएं घट रही है, मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से पूछता हूं, इन गलत घटनाओं को अंजाम और परिणाम देने वाले कौन है? आखिर कौन है? कोई शेर है, भालू है, कुत्ते हैं, भूत हैं कि परेत है? कौन है? हम और आप सरीखे मनुष्य, जो इस आज माताएं बहनाओं के साथ जो छेड़खानी का खेल खेल रहा है, ये आखिर कौन है? किसी मां का कोई लाल है? हमारे राप ही सरीखे मनुष्य इस घटनाओं को अंजाम दे रहा है, वो भी किसी मां के गर्भ से पैदा हुआ है, किसी मां बाप के सहयोग से पैदा हुआ है, वो कोई असमान से धरती फोड़कर नहीं टपक गया और इसी समाज में उसका भी पोषण हुआ है। लेकिन वजह क्या है? क्यों बच्चे आज विकृत दिमाग के क्यों हो गए? गलत दिशा में कदम क्यों बढ़ा रहे हैं? गलत दिशा की ओर पांव क्यों पसार रहा है?
क्योंकि उसके मम्मी और पापा ने उसको अच्छा संस्कार नहीं दिया, संस्कारों की कमी ही उसे आज इस दलदल में, इस कुविचारों में, कुछ संस्कारों के कारण आज वो गलत सलत काम कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक अच्छा आदर्श माता पिता बनिए। आपके बच्चे आपके गर्व से कह सके मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं। नीताज के बच्चे अपने मामा पापा मम्मी पापा का इंट्रोडक्शन कराने में शर्मा रहे हैं। बाप तो पीकर सोया, अभी देखो 3 दिन के दिवाली कितनों की दिवालिया निकल गई होगी, कितनों को जमीन जायदाद बिक जाएंगे। आप अपने बच्चों के सामने उच्च आदर्श महापुरुषों के चित्र लगाएं घर में। यहां तो आजकल तो फिर बड़े बड़े हीरोइन के फोटो, बड़े बड़े हीरो को। मैं 8वीं पढ़ने वाले बच्चे से पूछा, बेटा 2 महापुरुषों के नाम बता दो। सर नीचे हो गया। अब बताए हो मम्मी पापा तब ना बताएं, कौन बेटा अपने से जानने का शौक करेगा। मैंने कहा कि बेटा 2 हीरो का नाम बता। अरे फटाफट सेकंडों में बताइए। अपने बच्चों को महापुरुषों के चित्रों से इंट्रोडक्शन दो, परिचय दो। बेटा ये सुभाष चंद्र बोस है। तेरा बच्चा पूछेगा मम्मी ये क्या करता था। बताइए चंद्रशेखर आजाद है, ये महात्मा गांधी। कितने हमारे हिंदू संस्कारों के फेस्टिवल त्योहार चले जाते हैं, बच्चे को पता नहीं कि दीपावली क्यों मनाते। अरे मम्मी पापा को पता हो तब ना बताएं। अपने बच्चों को बताओ कि दीपावली क्यों मनाते हैं, होली का त्योहार क्यों मनाते हैं। ये 15 अगस्त 26 जनवरी झंडा ऊंचा रहे, हमारा झंडा फहराओ, बूंदी और सेव नमकीन का प्रसाद लो घर में आकर खाओ, पत्तल को उधर फेंक। मना लिए 15 अगस्त, हो गई 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस, अमर हो अमर हो, चिल्ला लो जितना चिल्लाना, गला फाड़ दो, फर्क क्या पड़ेगा। जब तक उन महापुरुषों के वीर शहीदों को कुर्बानी को नहीं जानोगे, होनहार बच्चे पैदा करो। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को देख, वो भी आप ही सरीखन लड़कियां थी, इतनी क्रांति की, अंग्रेजों को चने चमा दिए, भागना पड़ा भारत छोड़कर। झलकारी बाई, दुर्गावती, अरे जगाओ अपनी शक्ति को, पहचानो अपने आप को। ये मत सोचना कि हम तो लड़की, अरे बहुत, अरे देखो कल्पना चावला कहां से कहां गई, जमीन तक नहीं आ पाई बेचारी, अनुभव को लेकर आ रहे थे। तो संस्कार में जियो, अपने स्वभाव में जियो, अपनी स्वाभाविकता में जियो, मर्यादा विहीन काम न करो, मर्यादा के बंधनों को ना तोड़ो, तभी आपकी इज्जत रहेगी, आन बान शान को बनाए रखे, हमेशा सर ऊंचा करके जिए, यही अपनी जीवन की मस्ती होगी, मस्तानगी हो। धर्म और कर्म में मन नहीं लगता, बड़े मुश्किल से तो आप लोग बैठे, कितने बार अनाउंस करने पर, अभी देखना तैयारी चल रही इधर प्रोग्राम का, रात में देखना एक आवाज ही काफी है, मारा मारी मच जाएगी, कितनी गंदगी साफ हो जाएगी, सुबह वो जगह देखने लायक हो जाएगा। सोचो जरा आपके मन की खुराक कहां है, बहक कहां रहे हो, जहां से मन चंचल हो, इंद्रियां चंचल हो, दूसरों के लिए मन आतुर हो, मन भटके, कुछ संस्कारों में रंगे, ऐसे श्री बड़े प्रिय भासता है, बड़ा मनमोहक लगता है। एक गाना का लाभ करते हुए देखना कितनी भीड़ होगी घर में, सोचना पड़ेगा तुम रहो कि मैं, बात होगी चर्चा होगी, 1 घंटे बाद तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, फिर आप आना तो मैं जाऊंगा, ताकि उस कार्यक्रम को देखने में कोई चुकने ना पाए, बिल्कुल परफेक्ट देख सके, सुबह उसकी चर्चा भी हो सके, नाच कर गा कर दिखा भी सके। कैसे आपकी मन की खुराक, कहां बहे जा रहे हो, जहां से दुख और पीड़ा मिले उन जगहों को, उन स्थानों को आप चुन रहे बड़े मजे के साथ। तो इस संस्कारों की चर्चा हम, हमारे लेखराम भाई, उसकी धर्म पत्नी डिंपल बहन, हमारे बाबूजी श्री जयतुराम जी, माता जी, ये तो संस्कारी परिवार है। हम चाहते हैं ऐसे ही आपके घर आंगन में संतों का आगमन होता रहे, आप बुलाते रहें, हम आते रहें। ये सिलसिला है, ये पूर्वजों की जो बनाई हुई मर्यादाएं,
हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभ संस्कारों के साथ, शुभ आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कभी हमारी आपकी मुलाकात होगी तो फिर ज्ञान की चर्चा होगी, नहीं तो वरना ऊपर ही मिलना होगा, फोन नंबर वही रहेगा। बोलो सतगुरुदेव की। बोलिए सतगुरु देव की जय। संतों की एक एक बातें अपने जीवन में धारण करने योग्य होते हैं। एक शब्द भी धारण कर लिए तो वो एक शब्द हमें इस संसार से उठा करके सीधे मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा, बशर्ते शर्त इतना है कि उस शब्द को धारण करना होगा। आइए आगे मैं निवेदन करता हूँ परम पूज्य संत श्री कोमल साहब से कि इस अवसर पर आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय। हेलो हेलो, बोली सदगुरु कबीर साहिब की जय। प्रातः स्मरणी वंदनी मुद मंगलमय सन समाज सत्संग प्रेमी सज्जनों भक्तिमय माताओं इस वसुंधरा के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आज छठी जन्मोत्सव का कार्यक्रम है और इस उपलक्ष्य में संत गुरुजनों का आगमन हुआ है। वह संतान वह जीवात्मा बड़े ही पुण्य भाग्यशाली है जिसके जन्मोत्सव में जन्म दिवस में संत गुरुजन उसके आंगन में पधारते हैं, उनके सुंदर आशीष मिलते हैं और उनके आशीर्वचन से पूरे घर आंगन गुंजमान होता है। आदमी संस्कार देने से ज्यादा धन देने का प्रयास करता है। हर माँ बाप ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करना चाहता है जो कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन एक चीज नहीं करते, वो क्या है, वो है खुद को संस्कारित करना और अपने बच्चों को सुंदर संस्कार देना। और यही एक कारण है बड़े से बड़े आदमी, धनी से धनी आदमी होकर के भी अंत में दुखी जीवन जीते हैं। आप सबको विदित होगा कुछ महीने पहले भारत देश के सबसे बड़े उद्योगपति सहारा कंपनी का मालिक सुब्रत राय, जब उसका शरीर शांत हुआ कई दिनों तक तो मुंबई के हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद शरीर शांत हुआ तो कहते हैं कि उसको लाश को अपनाने वाले कोई नहीं मिले। दो दिन तक हॉस्पिटल की मोर्चरी में वो लाश पड़ी रह गई, उनके न पुत्र आए न उनके कोई परिवार आए, कहीं दूर का कोई रिश्तेदार था, पोता था, वो आया और फिर वहां से ले जाकर के संस्कार कराए। उन्होंने इतना धन संपत्ति सब कुछ अर्जित किए और वो अपने बेटी और बेटा के शादी जब किए ना, अरबों खरबों की संपत्ति को लुटा दिए, दुनिया के भारत के सारे सेलिब्रिटी लोग वहां इकट्ठा हुए थे, लेकिन जब उसका शरीर शांत हुआ तो उसके शव यात्रा में जाने वाले एक आदमी नहीं मिले। यह जीवन की दुर्दशा। आप क्या कमा रहे हैं,
आप धन ही नहीं धर्म भी कमाइए, आप पद ही नहीं संस्कार भी कमाइए, क्योंकि संस्कार और धर्म ही आपके साथ चलते हैं और आपके जीवन को सुखी बनाने वाले हैं। ये मेहनत करिए। लेकिन हम हर समय उल्टा काम करते हैं, विपरीत दिशा में काम करते हैं। एक आदमी था, एक सेठ के यहां लगभग 30 साल तक मेहनत किया, परिश्रम किया। सेठ जी भी उससे काफी प्रभावित हुए, उनकी सेवा भाव से प्रभावित हुए। और सेठ जाते जाते उसने विचार बनाया कि मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं, कुछ दिन में मेरा शरीर छूट जाएगा, और ये बेटा मेरे घर में रह करके मेरे पुत्र जैसे सेवा किया, मेरी तो कोई संतान नहीं है, तो कुछ इसके लिए करूं। ये विचार करके उस नौकर को बुलाया और बुला करके कहा कि भाई, तूने मेरे साथ घर में मेरी सेवा किया, 30 साल तक सेवा किया, नौकरी किया, अब जाते जाते एक अंतिम और काम कर दो। कह क्या? कह मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और एक छोटी सी जमीन है 1000 स्क्वायर फीट की, उसमें एक छोटा सा सुंदर भवन बना दो। एक साथ 10 लाख रुपए दे दिए और 10 लाख रुपए को पाए ना, तो जो नौकर 30 साल तक कभी बेईमानी नहीं किया था, पाप नहीं किया था, अधर्म नहीं किया था, लेकिन उसकी नियत डूल गई, उसका ईमान बिक गया और वो सोचने लगा, अरे ये बूढ़ा व्यक्ति तो 80 साल का हो गया है, कब ये शमशान में इसका कब्र खुद जाएगा, इसकी भी ठिकाना नहीं है, कौन सा हिसाब लेने वाला है, ये अंतिम समय है। उसने क्या किया? वो 420 वाली बात, वो सब हर काम दो नंबरी का करने लगा, हर काम दो नंबरी का, डुप्लीकेट काम। और वो 5 लाख में काम कर दिया और 5 लाख अंदर कर दिया। जैसे आज करके सरकारी भवन आप सब देखते होंगे, पैसा आता है 5 लाख, काम होता है 2.5 लाख का, पैसा आता है 50 लाख का, काम होता है 20 लाख का। ये आदमी की बेईमानी है। बनाकर जब तैयार हो गया, एक निश्चित दिन घर उद्घाटन का समय मुहूर्त बनाया गया, सबको बुलाया गया, नौकर भी आया, और सेठ जी ने पंडित से पूजा यज्ञ कराने के बाद घर चाबी की गुच्छा को निकाला और निकाल करके हाथ बढ़ाते हुए आवाज लगाया, कहे बेटा इधर आओ। नौकर सामने आया, कहे सेठ जी बताओ क्या बात है। कहे बेटा, ये जो घर है ना, जिस घर को तुमने बनाया है, ये घर मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, मैं तो इस संसार से अब कुछ दिन में जाने वाला हूं, इसलिए इस घर के चाबी को रखो और इस घर में तुम सुख से रहो, आज से ये घर तुम्हारा है। बताओ सज्जनों, क्या इस बात को सुनकर के उस नौकर को खुशी हुई होगी, प्रसन्नता हुई होगी? नहीं। उस नौकर के आंख से आंसू बहने लगे और पश्चाताप के ग्लाने की आंसू भी बहने लगे। कहे हे भगवान, मैंने कितना अधर्म किया, कितना पाप किया, सेठ जी मेरे लिए मैं आज तक एक छोटी सी झोपड़ी भी नहीं बना पाया, लेकिन ये सेठ जी मेरे लिए सुंदर भवन बना करके दिए, जमीन दिए, और ऐसे सेठ जी को मैंने ठग लिया, लूट लिया। ये अफसोस और ग्लानी के आंसू बहने लगे और साथ साथ ये पछताने भी लगे, हे भगवान, कोई तो आकर के कह देता, बता देता कि जिस घर को तुम बनाने जा रहे हो, जिस घर को तुम सजा रहे हो, उसी घर में तुम्हें एक दिन रहना है, वही घर तुम्हें एक दिन मिलने वाला है, तो मैं 10 लाख क्या, उसमें 15 लाख खर्च करने के लिए भी तैयार हो जाता। सज्जनों, माता बहनों, यही तो हम सोचते हैं ना, जब समय मिलता है तो समय की कीमत नहीं मिलता, और बाद में हम क्या सोचते कि हे भगवान, एक बार फिर से अवसर मिल जाए, एक बार अवसर
अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। आछे दिन पाछे गए गुरु से किया न हेत, और अब पछतावा होत क्या जब चिड़िया चुग गई। हम सदैव जब कोई कर्म करते हैं ना तो उस समय ख्याल नहीं होता। अरे ये घर बात घर परिवार की बात को सोच लीजिए, देरान जेठान सासू बहू और जितने भाई भाई आपस में बैर विरोध करते हैं उस समय हम तनिक भी नहीं सोचते कि हम पाप कर रहे हैं, अधम अधर्म कर रहे हैं। कबीर साहब ने कहा कि ये जीवन मिला है ना, ये फूल रखने की टोकरी है, फूल रहने की टोकरी घोरे खाया घी। ये फूल रखने की टोकरी है और हम लोग क्या रखते हैं। मैं सदैव इस बात को हर मंच से कहता हूं कि प्रकृति ने परमात्मा ने विधाना विधाता ने सृष्टि रचित की है, एक सुंदर मूर्ति बनाई है और एक मूर्ति आप और हम बनाते हैं। बताइए मैं आपसे पूछूं, दोनों में श्रेष्ठ मूर्ति किसकी है? हमारी बनाई हुई मूर्ति श्रेष्ठ है कि प्रकृति परमात्मा विधाया का बनाया हुआ मूर्ति श्रेष्ठ है? तो आप सब लोग एक स्वर से कहेंगे कि जिस मूर्ति को प्रकृति ने बनाया, जिस मूर्ति को भगवान ने बनाया, जिस मूर्ति को विधाता ने बनाया, वो मूर्ति श्रेष्ठ है। और इंसान का बनाया हुआ मूर्ति तो निष्कृष्ट है, मिट जाने वाला है। बात समझ में आई ना? मंदिर में जितनी भी मूर्तियां बैठी है ना, उसको किसी भगवान ने नहीं, इंसान ने बनाया है। और 5 दिन 9 दिन के बाद वो पानी में जाकर के ठंडा भी कर देता है, लेकिन उस मूर्ति की कितनी पूजा करता है, कितनी इबादत करता है, कितनी प्रार्थना करता है, सवेरे शाम वंदन प्रवंदन करता है। लेकिन जिस मूर्ति को परमात्मा ने विधाता ने प्रकृति ने बनाया, वो कौन से मूर्ति है? मां के रूप में, भाई के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, सासू के रूप में, ससुर के रूप में, बेटा के रूप में, बेटी के रूप में, मित्र के रूप में, पड़ोसी के रूप में, ये सारे जो मूर्ति है ना, इस मूर्ति को आपने नहीं बनाया, प्रकृति ने, परमात्मा ने, विधाता ने। जिस विधाता की पूजा करते उसी विधाता ने इस शरीर की रचना की है। श्रेष्ठ रचना किसकी है? विधाता की। जरा भी याद करिए, कल्पना करिए, चिंतन करिए कि विधाता की बनाई हुई जो मूरत है, जो मूर्ति है, उसको हम कितनी सुरक्षा रखते हैं, इसकी कितना हम आदर और सम्मान करते हैं। आदमी तो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। आज लगातार 3 से 4 दिन तक त्योहार मनाया गया। बस चंद मिनट में अपनी बात को पूरी करूं। कौन सा त्योहार मनाया गया? राम के आगमन में श्री रामचंद्र जी अयोध्या पहुंचे, उसके शुभ आगमन में आपने दीप जलाया, दीप प्रज्वलित किए, घर आंगन को उजाला किए और दिल को अंधेला कर दिए। कैसे? शराब पी करके। अब शराब पीने वाला आदमी अपने दिल को अंधेला करेगा कि उजाला करेगा? मांस मछली मटन को मार करके खा करके, प्राणियों को हत्या करके, बकरा भेड़ा मुर्गा को खा करके आपने अपने दिल को कब्रिस्तान बनाया, अंधकार से भर दिया, कैसे सुंदर आप दीपावली मना सकते हैं? और जिस राम ने पूरे जंगल में वास करते हुए सुंदर सात्विक जीवन, कंद मूल फल खा करके जीवन जिए, और आप राम के भक्त हैं और आप क्या खाते हैं? मांस मटन खाते हैं, शराब पीते हैं। आज शराब के बिना और जुआ के बिना दिवाली बनती ही नहीं। ऐसा घर मिलेगा जहां शराब ना पिए लोग? गोवर्धन, आपने कल गोवर्धन पर्वत का त्योहार मनाया। अभी हमारे साहब जी उसकी आध्यात्मिक व्याख्या कर रहे थे। गोवर्धन, गो नाम इंद्रिया, वो वर्धन यानी विकास करना, अपने इंद्रिया का विकास करिए, ऊर्ध्वगामी बनाइए। लेकिन अगर हम सात्विक रूप से भी समझें तो कृष्ण जो है गोवर्धन किया, गायों का वर्धन किया, विकास किया। इसलिए कृष्ण के युग में, द्वापर युग में दूध दही मक्खन खाया जाता था, और हम कृष्ण के उपासक हैं। आज ग्वाले भाई भी हैं, यादव भाई लोग भी हैं, बिना शराब पिए वो राउत नाचा नहीं नाचते हैं। कैसे आप ग्वाले हैं? आप दूध पीजिए, मक्खन खाइए, घी खाइए, असली ग्वाले हैं। तो और आपको कथा बताऊं, यादव वंश का विनाश शराब पीने से ही हुआ है। आप महाभारत के अंतिम प्रकरण को पढ़िए,
महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद यादव कुल आपस में कट करके मर गए, एक दूसरे का गाली गलौज करते रहे और परिवार ही परिवार आपस में शराब पी पी करके ही मर गए। यादव वंश का विनाश शराब से हुआ। क्यों? दूध को छोड़कर के शराब पीने लग गए और शराब ही शराब देता है, याद रखिए। इसलिए शराब पीना बंद करिए और शराब से मुक्त हो जाइए और अमृत का सेवन करें। अमृत क्या है? सुंदर भोजन अमृत है, सत्संग अमृत है। तो मैं कह रहा था कि आप बच्चों को सुंदर संस्कार देना सीखें और बच्चों को सुंदर संस्कार देने के लिए आप और हमें संस्कारित होना पड़ेगा। अगर हम और आप संस्कारित नहीं हैं तो बच्चों को सुंदर संस्कार दे नहीं सकते। इसलिए अपने जीवन को संस्कारवान बनाएं, सबके साथ सुंदर व्यवहार करें। हमारा प्रारब्ध, हमारा संस्कार हमारे साथ रहेगा तो किसी के सामने जाकर घुटने टेकने की जरूरत नहीं, नाक रगड़ने की जरूरत नहीं और हमें कहीं भी भटकने की भी जरूरत नहीं। समय बहुत हो चुका है। आप सबको धन्यवाद देते हुए, नौ शिशु को आशीर्वाद देते हुए, इस पूरे परिवार को धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। बोले सद्गुरु देव की जय। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सत्संग कार्यक्रम अंतिम चरण पर है। आइए मैं निवेदन करता हूँ परम पूज्य श्री साहेब जी से, कबीर आश्रम सकरी से आप पधारे हैं, आपसे निवेदन है कि आप अपने आशीर्वचन से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरुपरतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदनीय संत समाज, उपस्थित निर्चिर विवेकी बंधुओं, श्रद्धामति देवियों, प्यारे बच्चों, आज ग्राम लटेरा में इस गांव को सुनता था लेकिन इस गांव में आने का अवसर आज प्रथम बार मिला। लेकिन इस घर में जन्मोत्सव है, छठी संस्कार। मुझे ये पता नहीं है जन्म देने वाली माँ कौन है और पिता कौन है, बच्चा कितने दिन का हुआ है ये भी मुझे पता नहीं है। पहला संतान है कि दूसरा संतान है हमें कुछ जानकारी नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन सुनते ही जन्म देने वाली माँ, जन्म देने वाले पिता आ गए और दादी दादा कौन है ये भी मुझे पता नहीं। बच्चे का दादी कहाँ पर बैठी है, कौन उसकी दादी है? हम चाहते हैं कि दादी भी
अपने बेटा बहू के पीछे में बैठ जाए तो अच्छा होगा। जमीन में नहीं बैठ पाएंगे, कुर्सी में बैठे, जो जमीन में बैठे वो अच्छा है। इसी का छठी है कि अच्छा है। हाँ ठीक है, वो बेटा होगा। हाँ ये पहला संतान। लेख राम जी, पिता का नाम, माँ का नाम है डिंपल। द्वितीय संतान के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। दादाजी है चैतू राम जी, जो कुर्सी में बैठा है, और दादी है श्रीमती धीरजा साहू, और साथ में इस घर से जन्म लेने वाले संत भी हैं, जिसका नाम कोमल रखा गया है। यह बच्चा बेटा के रूप में आपके कोख से जन्म लिया। बेटी के तो माँ बन गई थी, पिता बन गए थे, दादी बन गए थे, दादा बन गए थे, लेकिन बेटा का माँ आज बना। पिता आज बना, दादी आज बनी, दादा आज बना। याद रखना आप सब, ये जो बच्चा है तुम्हारा बच्चा है, क्या इसका कीमत जानते हो? इसका कीमत जानते हो? इस बच्चे को हम खरीदना चाहते हैं, कितने लाख में दोगे? हम हजार नहीं बोल रहे हैं, कितने लाख रुपया चाहिए? लाख नहीं तो करोड़ चाहिए, तो करोड़ भी देने को हम तैयार हैं। तुम्हारे इस संतान के पीछे बताओ कितने करोड़ चाहिए? जितना करोड़ कहोगे उतना करोड़ भी हम इसके लिए व्यवस्था कर देंगे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। एक रायपुर में अरबपति आदमी है, अरबपति, उसके घर में दादा है, दादी है, माता है, पिता है, बेटा है, बहू है, सब है, लेकिन आने वाला पीढ़ी में बेटियां ही बेटी है, बेटा नहीं है। वो खोज रहा है इस अरब के पति के संपत्ति के मालिक, कोई मुझे एक साल डेढ़ साल के बच्चा को दे दे, मैं उसका नामकरण करूंगा और उसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, उसका सब कुछ बदल दूंगा, वो बच्चे मुझे दे दे। अरब पति आदमी संतान खोज रहा है, और हम सब संतान को खो रहे हैं, खो रहे हैं। अभी संतों ने बताया संतान की कीमत, संतान को जन्म देने वाले माता पिता नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। धन का कीमत समझ रहे हैं, अपना जीवन का कीमत समझ रहे हैं,
पति का कीमत पत्नी का कीमत समझ रहे हैं, लेकिन संतान की कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। एक घर में छह बेटा था और छह बहुएं भी थी। छह बहू तो नहीं थी, पांच बहू आ चुकी थी। छोटा बेटा पढ़ रहा था, पढ़ाई पूरा करके घर में आता है। माता पिता भाई भौजाई सब कहते हैं तुम्हारा पढ़ाई पूरी हो चुकी है। बेटा कहता है, भाई कहता है, हाँ पूरी हो चुकी है, तुम्हारी भी अब शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि हम पांच भाई हैं इस घर में, अब पांच बहुएं भी हैं, लेकिन आज तक किसी बहू का कोख नहीं खुला है, संतान के अभाव है। हो सकता है तुम्हारी शादी के बाद नई बहू आएगी, उनका संतान होगा और घर खुशियों से भर जाएगा। बेटा स्वीकार कर लेता है, बहू के तैयारी करता है। भाई लोग पिता है बहू योग्य वधु, जब तलाश लिया शादी की बिल्कुल तैयारी हो गई, शादी भी हो गई, घर में लक्ष्मी देवी आ जाती है सत सम्मान के साथ में। थोड़े दिन के बाद में बहू के शरीर में परिवर्तन देख करके सबके खुशियों में सबके मन में तन में आनंद का उमंग भर गया। खैर कोई बात नहीं, हम पांच देवरान जेठान हैं, हमारा कोख नहीं खुला, लेकिन नई बहू आई है उसका कोख खुल चुका है, उनके गर्भ में संतान आ चुका है। ऐसा समझ करके सभी लोग उस बहू को भरपूर सेवा रक्षा करने लगे। समय आया, वह बहू सुंदर संतान को जन्म दिया। जैसे इस संतान को हम देख करके कहते हैं, ये बच्चा तो मेरे लायक है, मैं ले जाऊंगा आश्रम में और उसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, आश्रम के मालिक बना दूंगा। ऐसा मनमोहक संतान दिख रहा है, उसी प्रकार से वह बेटा भी था। बेटा जन्म लिया, अब उस घर में छह माँ बन गई, छह पिता बन गए, वृद्ध दादी दादा हो गए। सभी लोग काम धाम से किसान थे ही, काम धाम से आते थे और उस बच्चे को सभी माँ अपने गोदी में लेकर के, अपने आंचल में लेकर के अपना हृदय को शीतल करते थे। उसी प्रकार से पिता लोग भी, उसी प्रकार से दादी दादा लोग भी, सभी का आंखों का प्यारा था वह संतान, वह बेटा है। समय आता है, पांच बहू और पांच भाई, सभी लोग धान के, अभी समय आया है कटाई का, मिंजाई का, कटाई होगी ब्यारा में मिंजाई भी होगी। तो मिंजाई का समय था, पांचों बहुएं गई थी और पांचों भाई गए थे। बच्चे को जन्म देने वाले जो पिता है वह सौदा खरीदने के लिए बाजार गया था। बच्चे को जन्म देने वाली माँ है, उस बच्चे को स्नान कराई, उपटन लगाई, दूध पिलाई और अपने कमरा में सुला दिए, पलना में। दादी दादा है, देखते हैं बहू रानी अभी घर में है, बच्चे का लालन पालन कर रही है, चलो थोड़ा हम भी देखाएं, ब्यारा तरफ घूम आते हैं। वृद्ध माता पिता ब्यारा के तरफ जाते हैं, इधर बहू रानी है, बच्चे को पलना में झुला दिए अपने कमरा में और
फाटक बंद करके चले गई तालाब में स्नान करने के लिए। स्नान करने के लिए चले गई। थोड़े ही देर के बाद में उस घर में आग लग गई। आग लग जाने से धू धू करके आग जलने लगे। 11 बज चुका था। गांव में हल्ला हुआ। दिन के धूप दिन के आग दिखाई नहीं देता है सबको, लेकिन देखा किसी ने आग जल रही है, घर जल रहा है। दौड़ करके उनके ब्यारा में गया। दौड़ करके सभी बेटा और बहू आते हैं, अपने अपने कमरा से जितना बन सका सामान निकालते हैं। बच्चे को जन्म देने वाले माँ तो स्नान करने गई थी, पिता बाजार गया था। बच्चा के कमरा में कोई नहीं जा पाया, कोई नहीं जा पाया। और किसी ने कहा, किसको? माँ को कहा, तालाब में नहा रही थी, उसे कहा, अरे अभागिन, तुम्हारे घर में आग लग गई है, तो नहा रही है। वो माँ है बच्चे को जन्म देने वाली। हर माँ को याद होता है प्रसव का दिन, प्रसव का दिन, और गर्भ प्रेत में कितना तकलीफ होता है प्रसव का समय में। कितने आज तो डॉक्टर और विज्ञान के आविष्कार है, पता नहीं चलता संतान को जन्म दे देती है, लेकिन पहले संतान को जन्म देने में माँ के मौत भी हो जाता था और माँ को कितना कष्ट होता था डॉक्टर बैठ ही समझ पाते थे और उस समय के बूढ़िए माँ ही समझ सकते हैं। लेकिन वह माँ को जैसे कान में पता चला आग लग गई है, उस माँ ने जैसे तैसे अपने बदन को गीले सूखे कपड़ों में लपेट करके दौड़ के आती है। और समा वहाँ तो पूरा मेला लग गया था, पूरे गांव भर के इकट्ठा थे। उन्होंने कहा, बेटा कहाँ है? जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे दस मासा, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर खोजे घर वासा, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसे नाता रे। माता एक बार बच्चा को देखना चाहती, बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है? वो जन्म देने वाली माँ अपने सीने पे हाथ को ठोकती है, हाथ से ठोकती है, सिर को धुनती है, बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है? वो उसके गोदी देखते, उसके गोदी देखते, उसके गोदी देखते हैं। और दादी और दादा तो लोहार के धोखने के समान कांप रहे हैं, उनके पास कोई जान ही नहीं है। दादी दादा के पास वृद्ध हैं। इधर क्या होता है, जब उस माँ पगली माँ जन्म देने वाली को दशा देखे तो बाहर में खिड़की था, जिस कमरा में माँ बाप रहते थे बच्चा सोया था, खिड़की से सप्पल से तोड़ा। खिड़की को तोड़ते हैं तो होलिका दहन हो रहा था उस पलना में, उस पलना में होलिका दहन हो रहा था। बच्चा है ऐठ ऐठ करके जल रहा था। सभी ने धिक्कारा, अरे धन को निकाला आप लोगों ने, लेकिन धन के मालिक को नहीं निकाला। इस बड़े इस घर के मालिक कौन है? वो संतान है, वो संतान है। सारा संपत्ति एक तराजू में रख दो और इस संतान को एक पल्ला में रख दो, इसके कीमत कोई चुका नहीं सकता है। जैसे मैंने कहा, इस बच्चे का कीमत कितना रखे हो? मैं जितना कहोगे, लाख नहीं करोड़ नहीं अरब देने को तैयार हूँ, लेकिन ये माता पिता देने को तैयार नहीं है उस संतान को। कितना कीमत है याद रखिए। उसीलिए संत लोग आए हैं, बच्चे के पीछे आप लोग अच्छे संस्कार दो। बच्चों को संस्कार देना है तो कैसे देना चाहिए? एक दूसरा उदाहरण, ऐसे कहानी नहीं है, सच्ची उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है, घर में एक घर में तीन बेटा बहू थे, तीन बेटा बहू थे उस घर में। छोटे बहू है, खेत गई थी, बेटा बहू दोनों खेत गई थी। घर गर्मी का दिन था, खेत से आते हैं
किसी बात को लेकर के देवरान जेठान में सास ससुर में खूब झगड़ा हो रहा था, और घर में जब बच्चा देने वाली माँ आई तो उसको भी उलाहना दे दे करके उससे भी झगड़ने लगी, उस बहू से भी झगड़ने लगी। जब झगड़ने लगी तब वो बच्चा अंदर कमरा में रो रहा था, रोने के आवाज सुन करके झट से वो माँ है दौड़ के जाती है, बच्चे को अपना दूध पिलाती है। जैसे दूध पिया, माँ के स्तन से दूध पिया,